हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पर। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बेसिकली एक स्टोरी एक लड़की की है। उस लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया। अब उसके साथ बड़ा नई तरीके का मतलब फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड क्या हुआ, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने एक वीडियो का लिंक, आपको मैं अपने इस पूरे वीडियो में आपको एविडेंस भी दिखाता रहूँगा साथ साथ, उसने एक पाकिस्तानी वेबसाइट का जो कि न्यू वीडियो अपलोड होते हैं उस वेबसाइट पर, उसमें से एक लिंक निकालकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेजा उसको चिढ़ाने के लिए, सो दैट कि वो उसका फिर से दोबारा बेनिफिट ले सके। और ये था क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। उस पाकिस्तानी वेबसाइट पर जो लिंक था न्यू वीडियो कॉल का या उस लड़की का जिसमें वो लड़की दिखाई गई है, उस लड़की की जो शक्ल है वो बिल्कुल हूबहू, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तो नहीं बट काफ़ी हद तक उस लड़की से मैच करती है जिस लड़की ने मुझसे मेरे चैनल पर कांटेक्ट किया। उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे कॉल किया, उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई। उस लड़के ने वो लिंक उसको भेजकर ये बोला है कि मैं ये लिंक तुम्हारे सभी दोस्तों को भेज दूंगा, जितनी भी तुम्हारी सहेलियां हैं, जितने भी तुम्हारे और दोस्त हैं, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है तो वो सभी उसके फ्रेंड सर्कल में जानता है सभी को। तो वो धमकी दे रहा है कि मैं ये जो लिंक है ये तुम्हारे सभी दोस्तों को भेज दूंगा क्योंकि तुम ये इस तरीके से न्यूड वीडियो बनाती हो और पाकिस्तानी वीडियो पे अपलोड करती हो। ये जो मैटर है, जानबूझ के वो उसको मतलब चिढ़ा रहा है, जानबूझ के उसको अट्टे में लेना चाह रहा है सो दैट कि वो उस लड़की का दोबारा से बेनिफिट ले सके, वो फिर दोबारा आए, फिर उसको न्यूट करे या वॉट एवर, किसी भी तरीके की बेनिफिट चाहे वो उसे लेना चाहता हो। उस लड़की ने उस अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मना भी किया कि ये वीडियो मेरा नहीं है, तुम्हें पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब वो लड़का क्यों कह रहा है, एक तो उस लड़की की शक्ल मिलती है उससे, दूसरा क्या है, यहाँ पर उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक टैटू बना हुआ है, वो टैटू उसके भी हाथ पे बना हुआ है, दोनों लड़कियों के हाथ पे टैटू बना हुआ है। और टैटू जो है वो भी पूरी तरीके से सेम नहीं है बट कुछ हद तक सिमिलर है, मतलब वो कुछ अलग थोड़ा सा डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा कुछ अलग डिज़ाइन है। तो वो लड़का उसको ज़बरदस्ती थोपना चाहता है उस इन्फॉर्मेशन को कि ये जो लड़की है पाकिस्तानी वीडियो जो न्यूड वीडियो है ये तुम्हारा है और मैं इसको तुम्हारे सभी ग्रुप्स में भेज दूंगा। इवन दो कुछ दिन में उसने ये वीडियो भेज भी दिया उसने अपने कई सारे दोस्तों को, और उनसे फिर लौट के उस लड़की को फ़ोन आने लगा कि भैया ये जो मेरे पास आया है, ऐसे ऐसे लिंक आया है और इसने भेजा है और ये कह रहा है, जो बहुत पर्सनल दोस्त थे उन्होंने उसके साथ बात की और बोला कि यार ये तुम्हारा वीडियो बता रहा है। इवन दो उन्होंने क्या कहते मुझसे हेल्प मांगी और मैंने उस वीडियो को बिल्कुल जहाँ से वो वीडियो जनरेट होता है मैंने देखा कि वो दो तीन वेबसाइट्स पर वीडियो डला हुआ था, तो जहाँ से वो वीडियो जनरेट होता है वहाँ से मैंने उस वेबसाइट पर जाकर उस वीडियो को डिलीट कराया सबसे पहले, जिसमें मुझे काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि वो वीडियो अननेसेसरी वायरल हो रहा था उसके नाम पर, जबकि वो लड़की वो नहीं थी, उसका जो टैटू था वो टैटू भी वो नहीं था उसका, बट अननेसेसरी वो बंदा उसको बदनाम कर रहा था। उन वेबसाइट से जब मैंने कांटेक्ट किया तो मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई, मतलब राइटिंग में मैंने उनको मेल किया, मेल करने के बाद उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी को सुना और करने के बाद उस वीडियो को वहाँ से डिलीट कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो रही थी, क्योंकि शक्ल थोड़ी बहुत मैच कर रही थी, टैटू जो था वो मैच कर रहा था, तो इस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो हो सकता है आज का जो वीडियो है वो इसलिए कि हो सकता है कि कोई आपको भी इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, फोटो किसी और का हो, मतलब शक्ल किसी और की हो, बट फिर भी वो आपको बोले कि नहीं ये आप हो और आपको बदनाम करे, आपका दोबारा से बेनिफिट उठाना चाहे। वो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसको समझना चाहिए था कि एक टाइम में ये मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो मुझे ठीक है, मेरे यहाँ उससे संबंध खत्म हो गए तो मुझे इसमें अब उसकी लाइफ में दोबारा से एंटर नहीं मानना चाहिए, बट वो दोबारा से एंटर मानना चाहता था, उसका दोबारा से बेनिफिट लेना चाहता था, यही उसकी इंटेंशन थी। एनीवे ओवरऑल में वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो गया, उस लड़की को चैन की राहत मिली और बाद में उनको भी अच्छा फील हुआ कि चलो हमने ये कंप्लेंट करके या मुझे ये इन्फॉर्मेशन देके उन्होंने अच्छा काम किया। इवन दो उन्होंने उनका ये कहना था कि उन्होंने कई सारे यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट किया
बट सबने कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें बता उतू के उस मैटर को क्लोज कर दिया, कुछ भी हेल्प नहीं करी। लेकिन जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने उनके केस को पूरी तरीके से सॉल्व किया। तो गाइस आप भी कभी इस तरीके से ना फंस जाएं, ये ज़रूरी नहीं कि ये केस किसी लड़की के साथ हो, किसी लड़के के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग कभी भी इस तरीके केस में ना फंसें, सो दैट कि आप पहले से ही बोल रहे हैं ये स्टोरी सुनकर, जैसे ही आपके पास कोई ऐसा केस लाता है तो आप पहले से ही बोल रहे हैं और आप उसको तुरंत से आप उस पर एक्शन ले सकें। इसलिए ये आज की स्टोरी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गाइस इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।